ओके वेट वेट वेट, ये वाला कमेंट पढ़िए, इसमें लिखा गया है कि मतलब अगर एनसीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब कि काफ़ी सारे के ड्रीम्स है, आप ये वाले कमेंट में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है जो चाहते हैं कि एनसीसी ज्वाइन करें, बट उन्हें डर लग रहा है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किस बेसिस पर नहीं हुआ, अगर उनकी हाइट कम पड़ गई या फिर उनकी रनिंग क्लियर नहीं हुई या फिर उनका रिटर्न टिक नहीं किया, उनकी बॉडी पर टैटू है, अगर इस वजह से एनसीसी में सिलेक्शन नहीं हुए तो क्या हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि एनसीसी की भर्ती देना आपके हाथ में, आप अपना रिटर्न अच्छे से देना, फिजिकल अच्छे से देना और मेडिकल की जो चीज़ है वो, और इंटरव्यू अच्छे से देना है, ठीक है। ये सब आपके हाथ में, आपका काम है सिर्फ आपका काम करना, ठीक है। सिलेक्शन होता या नहीं होता वो देखा जाएगा, ठीक है, बट आप अपना 100% दीजिए, इस बात से ध्यान रखिए। इसके अलावा किसी प्रकार की टेंशन मत लीजिए कि मेरी हाइट कम है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, काफ़ी सारा एनसीसी में ऐसा भी होता है कि जिनके हाइट कम है वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं, पता है किस बेसिस पे, वो रिटर्न क्लियर करते हैं, फिजिकल क्लियर करते हैं, मेडिकल में ठीक होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू ठीक देते हैं, हाइट कम हो तभी वो सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें होती है, कॉन्फिडेंस होता है, वो एनसीसी क्यों लेना चाहते हैं उनको पता रहता है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आप में, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इस वजह से परेशान है कि उन्हें चश्मा लगा हुआ है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनका रनिंग क्लियर नहीं होता, फिजिकल क्लियर नहीं होता, तो उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न पे अच्छा फोकस कीजिए, मेडिकल क्लियर कीजिए और इंटरव्यू अच्छे से दीजिए। आपको एनसीसी क्यों ज्वाइन करना है ये पता कीजिए और इसका आंसर अच्छे से दीजिए जब भी आपका इंटरव्यू वगैरह हो तब, ओके। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा किसी तरह का नेगेटिव थॉट माइंड में मत लाइए कि एनसीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, ओके। आपका काम है सिर्फ काम करना, फल की इच्छा नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, आप अपना 100% दीजिए। सेकेंड चीज, लाइफ में ऐसे कई सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई जगह हमारा सिलेक्शन होता नहीं होता, डोंट वरी, एनसीसी में नहीं हुआ तो एनएसएस ले लीजिए, अगर एनएसएस भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा लिखा गया हो, किस्मत में हम कह सकते हैं, ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, ओके। और किसी प्रकार का नेगेटिव थॉट बिल्कुल माइंड में मत लाना कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये है कि जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो अगर वहाँ आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ आप कोशिश करिए कि सिलेक्शन हो। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका आपके ही भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे एज ए रिजर्व कैडेट रख लीजिए, अगर कोई कैडेट एनसीसी छोड़ता है तो आप उसकी जगह एनसीसी में एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी डाउट रहता है कि हमें तो सिलेक्ट हो गया एनसीसी में बट हमारा नाम रिजर्व में क्यों रखा गया है, तो ऐसा इसलिए रखते हैं, कभी कोई कैडेट एनसीसी बाई चांस एक दो महीने करके छोड़ देता है तो आपका नाम रिजर्व में, तो आपको एनसीसी ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका नाम ऑलरेडी चल चुका है, उसका रेजिमेंटल नंबर बन चुका है, इसके अलावा डीजीएनसी तक उसका नाम जा चुका है, उसके डॉक्यूमेंट जा चुके हैं, तो एक सीट रिजर्व बन चुकी है और गवर्नमेंट यानी कि आर्मी ने उसके लिए इतना फंड इकट्ठा कर लिया कि वो कैम्प करेगा, वो उसकी वर्दी का जो भी सारी चीज़ें उसके ऊपर खर्चा जो भी होगा उसके रिफ्रेशमेंट का वो सब गवर्नमेंट उठाएगी, आर्मी उठाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बन जाती है, तो रिजर्व में हमेशा कुछ कैडेट्स रखे जाते हैं, सोडेट अगर कोई एनसीसी छोड़ता है तो सीट खाली बेकार न जाए इसलिए, ओके। अगर आप रिजर्व में हैं तब भी आप एनसीसी ज्वाइन होने के चांसेस आपके हैं, ओके। और कई बार देखा गया कि कोई ना कोई कैडेट्स तो छोड़ता ही एनसीसी, क्योंकि कई गर्ल्स छोड़ देती है, कई कोई बॉय छोड़ देता है, कहीं हो सकता है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो कॉलेज ही छोड़ दें, इस वजह से उसको एनसीसी भी छोड़ना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बाकी एनसीसी एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी इच्छा से भर्ती दे सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं होता है यहाँ पे, कंपलसरी नहीं है किसी प्रकार का, ओके। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। बाकी आप जाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने ऐसे लेके जेड तक सारी डिटेल शेयर करी है कि एनसीसी आप भर्ती किस तरीके से हो सकते हैं। रिटर्न पे फोकस करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस एनसीसी भर्ती में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिजिकल चलो ठीक है, मेडिकल ठीक है, बट रिटर्न में आप अगर पढ़ते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिला होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।